सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच तेज हो गई है। मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। रिया के साथ उनके भाई और पिता भी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। रिया से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ करेगी। रिया से ईडी की पूछताछ 5 से 6 घंटे तक चल सकती है। बता दें कि रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया दोषी है, इसलिए वो जांच से भाग रही हैं। लेकिन हम लोगों को सीबीआई पर भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि मुंबई पुलिस मामले को दबाना चाहती है। पहले तो सीबीआई की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है, और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे, और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। जांच कर रहे तो उसमें क्यों किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है, इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही करेगी। न्यायालय में गई अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय से कुछ ऐसा आदेश आएगा कि कोई जांच ना हो। हम लोग भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, पूरा देश जांच की मांग कर रही है। हम लोग तो जांच ही कह रहे हैं, किसी को फांसी तो नहीं कह रहे बिना जांचे खींच दो। जांच की मांग कर रहे हैं लगातार, और हम पूरा देश और पूरा परिवार चाह रहा है कि पूरा निष्पक्ष जांच हो, किसी को न फंसाया जाए, ये हम लोग कह रहे हैं। और जांच में अगर कोई पकड़ में आता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाए, यही हम लोग का आग्रह है। और रिया ने तो मेंटली इसको हैजेक करने का कोशिश किया था, कि दिमागी तौर से भी उसको इस तरह से कब्जा कर लिया था कि वो कहीं भी जाता था बेचारा, कहीं भी कुछ काम करने निकलता था तो बार बार कॉल करके उसको डिस्टर्ब करना, तुरंत वापस बुलाना, तुरंत उसके साथ इर्द गिर्द के लोगों को तंग करना, ये तमाम चीजें चल रही थी। अब तमाम चीजें जांच का विषय है कि क्यों इतना करती, क्यों ऐसा कर रही थी, हर कुछ सामने आएगा।